पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। 20 जून को बल्लभगढ़ से सिटी पार्क से एक लड़की को 5 लड़कों ने उठाया और उसको उठाकर पलवल की तरफ किसी गांव में ले गए, उसका बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बावजूद जब उसकी रिपोर्ट बल्लभगढ़ थाने में वो लोग लेके आए तो हमारे कुछ मीडिया कर्मियों ने SHO बाबूलाल जी को फोन किया। SHO बाबूलाल ने उसके लिए सख्त बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद DCP साहब को फोन किया गया तो DCP साहब ने कहा कि यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो इस बात को हमारे मीडिया बंधुओं से छुपाया गया जिससे कि ये बात मीडिया में ना जाए और लोग इसका विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि 22 तारीख को यहाँ CM हुड्डा साहब आने वाले थे, तो जिससे कि इस खबर को लोगों के बीच में नहीं आने दिए गया। हमारे शहर में बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है, ढीला है। यहाँ पे जितने भी पार्क हैं, यहाँ में शाम के टाइम शराबियों का अड्डा बन जाता है, लोग जुआ खेलते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस की तरफ से उन पार्कों में शराबियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से सभी पार्कों में इस पूरे क्षेत्र में अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 6 महीने से हम पुलिस प्रशासन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है, ये हमने सांकेतिक धरना दिया है और इसके बावजूद अगर पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और पूरी प्रदेश सरकार को हिला के रख देंगे, क्योंकि ये जो बलात्कार की घटनाएं हैं पूरे प्रदेश में हर महीने कई घटनाएं हो रही है जो कि बहुत ही निंदनीय है। और मेरी प्रार्थना है यहाँ पे उपस्थित मेरे मीडिया के बंधुओं से कि ऐसी खबरों को जो लोग आप लोगों को गलत सूचनाएं देते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी 2-3 कैमरामैन और आ रहे हैं।